हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली 10,000 रुपए वाली इमदाद पर गलियों के सियासी दलालों ने अपनी मक्कारियां शुरू कर दी है, जिसकी मिसाल आपको हलकाए कारवान और हलकाए नामपल्ली में देखने को मिल सकती है, जहां इस मौके का फायदा उठाते हुए अवाम तक पहुंचने वाली इमदाद में कितनी ही किस्म की रुकावटें खड़ी करके शर्मनाक सियासत को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे वाकयात पर आवाज उठाने वालों को अपनी जमात का रुआब दिखाकर डराने की भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी शर्मनाक वाकयात पर शदीद मजम्मत करते हुए बीएसपी कॉन्टेस्टेड एमएलए कारवान जनाब सैयद रहीम साहब ने अपना मजम्मती बयान जारी किया। तो आइए देखते हैं इस मजम्मती बयान को तफसील से और देखते हैं इमदादी कामों में सियासी दलालों के शर्मनाक हरकतों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तेलंगाना की जानिब से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से सैयद रहीमुद्दीन, जैसा कि फ्लड जो हुआ था उससे मुतासिर हुए सो लोग काफ़ी आ रहे हैं मेरे पास दफ्तर पर और आके जो है ये बता रहे थे कि आज कुछ लोग आए थे, गुज़िश्ता कल कुछ लोग आए थे, आज ये बता रहे थे कि नदीम कॉलोनी में जो है अभी 2-2 फीट पानी है, चीकड़ है, उसको पानी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। खाली जो है सेंट्रल टीम और बल्दिया के कमिश्नर्स, एरिया एमएलए, कॉरपोरेटर आ रहे हैं, बिल्कुल जो है दिखा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो उसका हल कैसा निकलना? हल जो है उसका निकलना बोले तो उसका नाला जो है बनने के वास्ते में नाले को बंद कर दिए गल्फ के पास से। फिर ये लीडरान क्या कर रहे हैं, वो नाले को अगर खोले तो जो है पानी सही तरीके से जा सकता, वहाँ के लोग को जो है पानी हटता, तो वो लोग जो है कुछ अच्छी इमदाद में काम कर सकते हैं अपने घरों में। आप ही जो है वो नाले को जो है पानी जाने के लिए रास्ता नहीं देंगे तो फिर जो है सेंट्रल टीम आके क्या फायदा है, या कमिश्नर साहब आके क्या फायदा है, कई वो मिनिस्टर्स आके क्या फायदा है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा कर रहा हूँ कि और एक चीज़ आगे ठहरी हुई ये है कि अभी कुछ लोग आए थे नदीम कॉलोनी से, हम तो जो है रिलीफ के काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से जो है कल जो हम सर्वे रखे हैं और पूरे एरिया के अंदर के मुस्तैद जो लोग रहेंगे उनकी जो एंट्री होंगी और वाकई उनको पहुंचाया जाएगा सामान। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं कि अभी कुछ लोग आए थे नदीम कॉलोनी से कि वो लोग का जो है किराए का घर है, उनका ग्राउंड फ्लोर है, कुछ सामान ऊपर रखे, कुछ सामान जो है पानी में चले गया, मुतासिर हो गया, तो वो जो है लोगों को जो है लाइट की बिल देख करके जो है 10,000 रुपये जो है फराहम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लीडरान आके, तो फिर किराएदार का जो मामला खराब हुआ तो फिर किराएदार को कौन देंगे पैसे? हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती कि जो है किराएदार हो या मकानदार हो दोनों को भी जो है एक नजरिए से देखना चाहिए, मगर ये आके जो है लाइट की बिल बताओ, आपकी लाइट की बिल बताए तो जो है हम 10,000 रुपये फराहम करेंगे बोले तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है सबके लिए जो है जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये चीज जो है फ्लड आने से उसमें गरीब भी मुतासिर हुआ, अमीर भी मुतासिर हुआ, ओनर भी मुतासिर हुआ, सब मुतासिर हुए। उस लिहाज से गुज़िश्ता जो है हमारे जाहिद अली साहब भी बोले कि ये जो है फंडिंग में जो है चेंजेस लाना और इसको जो है फंडिंग से जो है कोई फायदा नहीं है बोल के बताए भी, तो मगर ये हुकूमत हो या जो है सेंट्रल टीम आ रही हो, मैं यही मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि हर एक को ये पैसे बढ़ाकर देना चाहिए और ये जो है खाली ओनर को नहीं देना चाहिए। हर एक मुतासिर हुआ हुआ है, हर एक का घर उजड़ गया है, हर एक का सामान चला गया है और सही आइडेंटिटी करके जो है उनको सामान का जो है मामला जो भी गया है उनको फराहम किए और हम भी जो है हमारे काम पे लगे हुए हैं। खास तौर पे मैं तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर और केटीआर और उनके साथ ए टीम और बी टीम को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग सही तरीके से जो है उनका अपना हक बिल्कुल पहुंचाइए, वरना जो है आप बल्दी इंतखाबात के अंदर आपको जो है मुकाबला करने में बहुत मुश्किल आने वाले हैं। और दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि उनके आईडी प्रूफ के ऊपर जो है आप वोट लेते हैं तो फिर वो किराएदार हो या मकानदार हो सबके लिए आप जो है पैसे फराहम करना बहुत जरूरी है। और मेरे से यही अपील है पूरे तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर, मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि ये लाइट की बिल देख करके जो है खाली ओनर को देने से नहीं चलेगा, या वही हिसाब से फिर जो है लाइट की बिल देख करके जो है वोट भी मांगिए आप। मेरा कहना यही है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि किराएदार भी उतना ही होता, मकानदार भी उतना ही होता, सबके लिए एक ही नजर से देखा जाए यहाँ के लीडरान और उनको जो है सही तरीके से आप पैसा दीजिए और उनके घर पूरे उजड़ गए हैं और उनके मकान पूरे खराब हो गए हैं, उनका सामान खत्म हो गया है और वाकई आइडेंटिटी करके आप जो है सही काम करिए। और दूसरे रिलीफ फंड वाले भी काम कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब मत कीजिए और आप अपना काम सही तरीके से करिए, जिस तरह वोट लेते हैं उस तरह किराएदार को भी मकानदार को भी उसी तरह आप जो है अपनी तरफ से पैसे का फराहम कीजिए। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को खास तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ
आप लोग कान खोल के और आंख खोल के सुन लीजिए कि आप पर्दे में मत रहिए, अगर पर्दे में है तो फिर आप जो है ये बल्दी इंतखाबात में शिकस्त होने वाले आदमियां हैं, सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के अंदर। और ए टीम और बी टीम भी जो है आंख और कान खोल के सुन लीजिए, बातों से काम चलने वाला नहीं है, काम से काम चलने वाला है। वाफिर दावाना अलहमदुल्ला रबी आलमीन।